Hey everyone, I'm Pooja Negi. Welcome to my channel. Thank you so much for visiting. I wish for a good health and well-being. So as usual, हमारे दिन की शुरुआत हुई कॉलेज के लिए तैयार होने के साथ. So बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि ये रेड बैच क्यों पहना दिया आपने. तो ये मेरे कॉलेज का बैच है जिसमें मेरा नेम है और मैं कौन से MBBS ईयर की हूँ वो लिखा हुआ है. As usual, डेली का ही हो गया है मेरा. लेट हो चुकी हूँ मैं और अभी मेरे को ब्रेकफास्ट भी करना है. तो मैं फटाफट दौड़ी ब्रेकफास्ट करने के लिए और ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं चली गई कॉलेज के लिए. और ये है हमारा एनाटॉमी डिपार्टमेंट जिसे आप अब रोज़ ही देखोगे और आप पहचानने भी लग गए होगे. और 2 hours के लेक्चर्स एंड 2 hours के DH के बाद हम चले गए लंच ब्रेक के लिए. सो अब लंच ब्रेक के बाद मैं फिर से कॉलेज के लिए जा रही हूँ. मेरे पास मेरे 8th, 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए एक बहुत अमेजिंग न्यूज़ है. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक अच्छे कैरियर के लिए IIT एंड एम्स जैसे अच्छे मेडिकल कॉलेज और अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए हमारी फाउंडेशन स्टार्टिंग से ही स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है. हमारे फ्यूचर की तैयारी जब हम 8th, 9th या 10th में होते हैं ना तभी से स्टार्ट हो जाती है और PW इस बात को समझता है. इसलिए PW से पढ़ के आप अपने बेसिक्स और फाउंडेशन को स्ट्रांग कर सकते हैं PW के बैचेस में इनरोल करके. और इन बैचेस में आपको सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ाए जाएंगे. सो PW लेकर आया है 8th, 9th और 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए बहुत अमेजिंग बैचेस. अगर हम बात करें 10th के स्टूडेंट्स की तो 10th के स्टूडेंट्स के लिए उड़ान 2024 बैच 2100 रुपीज में अवेलेबल है. ये कंप्लीट 10th फाउंडेशन प्लस CBSE बोर्ड प्रिपरेशन बैच है और इस बैच में वीकली 5 days क्लासेस होंगी और डेली 2 classes होंगी और साथ ही में PDF नोट्स भी मिलेंगे, डेली होम असाइनमेंट और आपको मिलेगा डाउट सॉल्विंग इंजन जहां पर आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. और इतना सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ 2100 रुपीज में मिल रहा है. और अगर आपको इस प्राइस में भी डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड PN150 यूज कर सकते हैं जिसे यूज करने के बाद आपको इंस्टेंट 150 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा और आपको ये बैच और भी ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहा होगा. सिमिलरली अगर मैं बात करूँ 9th के स्टूडेंट्स की तो उनके लिए PW लेकर आया है नीव बैच, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2100 रुपीज में. और इसमें भी आप मेरा कूपन कोड PN150 यूज करके इंस्टेंट 150 रुपीज का डिस्काउंट पा सकते हैं. और साथ ही में अगर हम बात करें 8th के स्टूडेंट्स की तो उनके लिए भी PW लेकर आया है उमंग बैच इन जस्ट रुपीज 1500 रुपीज में. और इसमें भी आप मेरा कूपन कोड PN150 यूज करके बैच के प्राइस को और ज्यादा कम कर सकते हैं, है ना अमेजिंग बात. और अगर आपके घर में कोई भी 8th, 9th या 10th में पढ़ता हो तो आप उन्हें इन बैचेस में इनरोल करवा सकते हैं और उनके फाउंडेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मैं एक लिंक दूंगी जिसमें क्लिक करके आप किसी भी बैच में इनरोल कर सकते हैं. और हाँ, मेरा कूपन कोड PN150 यूज करना मत भूलना जिससे आपको इंस्टेंट 150 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको सारे
ज़्यादा ही बेस्ट और भी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिल रहे होंगे। सो वेट क्यों कर रहे हो, जस्ट गो एंड चेक इट आउट। तो इसके बाद हमारा फिजियो का प्रैक्टिकल था 2 आवर्स का, तो हम उसके लिए चले गए और उसमें हम आजकल जनरल एग्जामिनेशन करना सीख रहे हैं। सो आफ्टर हैविंग स्नैक्स और कॉलेज से आने के बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। तो बच्चे बोले थे, दी आप तो कॉलेज में जाके भी पढ़ रहे हो, तो पढ़ना तो हर जगह ही पड़ता है यार, ऐसा नहीं है कि तुम नीट क्रैक कर लोगे उसके बाद तुम्हें पढ़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा जितना तुम अभी पढ़ रहे हो। और मेरे तो अभी टर्मिनल आने वाले हैं ना, तो 1 मंथ बचा है। जैसे अगर तुम्हारा अभी नीट का पेपर होगा उसके बाद ही मेरे टर्मिनल स्टार्ट हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी डेट वैसे आई नहीं है, लेकिन ऐसा बोल रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ से हमारे टर्मिनल स्टार्ट हो जाएंगे। तो शायद मई के मिड में या मई के एंड में हमारे टर्मिनल्स हो रहे होंगे, तो इसलिए पढ़ना अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि पहले से इतने ज़्यादा अच्छे से पढ़ा नहीं हमने, क्योंकि पहले पहले ना इतना ज़्यादा अच्छे से हो नहीं पाता है, आप समझ जाओगे जब आओगे आप कॉलेज में। तो अभी तो चीज़ें समझने में ही टाइम लग रहा था हमें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बाकियों का पता नहीं, लेकिन मुझे तो अडेप्ट करने में ही टाइम लग रहा था, क्योंकि पढ़ाई ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाती है, नीट और MBBS के लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, तो उसी में अडेप्ट करने में अभी थोड़ा टाइम लगा है हमें। और अभी फर्स्ट टर्मिनल आने वाले हैं, लेकिन लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है आगे। सो, थोड़ी देर मैंने पढ़ा और उसके बाद हो गया था डिनर का टाइम। सो, डिनर करने के लिए मैं चली गई थी, और आज डिनर में चावल की खीर थी, शायद ही आप लोगों ने कभी खाई हो, लेकिन मुझे ना सेवई की खीर से ज़्यादा ये चावल की खीर पसंद है और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या कभी आपने चावल की खीर खाई है? अगर खाई होगी तो आपको पता होगा कि ये अच्छी होती है, सेवई से ज़्यादा अच्छी होती है, मेरे लिए तो अच्छी होती है, आप लोगों का पता नहीं, लेकिन मुझे सेवई से ज़्यादा ये चावल की खीर पसंद है। और आप सोच रहे होगे कि दी अभी टी शर्ट में थी और दीदी ने अभी अभी हुडी डाल ली, तो हाँ यार, यहाँ हल्द्वानी का मौसम ना आजकल बहुत अलग हो रहा है, कभी भी गर्मी पड़ रही है, कभी भी ठंडी लगने लग जा रही है और कभी भी बरसात हो जा रही है, तो मतलब दिन भर में ना अलग अलग टाइप का वेदर देखने को हमें मिल रहा है, तो अभी तो हाल ऐसा ही है। सो, इसीलिए मैं कभी अभी तक मैंने टी शर्ट पहनी हुई थी, तो अभी ठंड लगने लग गई तो हुडी डाल ली। सो, चलो जोक्स अपार्ट, अब बात करते हैं आप लोगों के काम की। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि कितने मॉक टेस्ट, बच्चे पूछे थे कमेंट सेक्शन में कि दी कितने मॉक टेस्ट देना ज़रूरी होता है और आपने कितने मॉक टेस्ट दिए। वैसे मैं ऐसे कैलकुलेट तो मैंने कभी किया नहीं कि मैंने कितने मॉक टेस्ट दिए थे, लेकिन लास्ट के मंथ में मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, लेकिन जितने मेरे बैच में मॉक टेस्ट थे ना, मैंने वो सारे दिए थे लास्ट के कुछ मॉक टेस्ट को छोड़ के। और लास्ट के मंथ में ही मैंने प्रीवियस ईयर के जो मेरे मॉक टेस्ट थे, चाहे फिर वो 2019 का हो, 20 का हो या 21 के हो, या कोई भी प्रीवियस ईयर के जो पेपर थे वो भी सॉल्व किए थे। तो इस तरीके से मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, और मॉक टेस्ट में नंबर बच्चे बोल रहे कि कम आ रहे थे, कभी ज़्यादा आ रहे कभी कम आ रहे, एक स्टेबल नहीं रह रहा है हमारा नंबर मॉक टेस्ट में, तो मैं उनसे यही कहूँगी यार, बस तुम देते जाओ लास्ट, अगर तुम अगर अभी देते जाओगे और अपनी गलतियाँ देखते जाओगे ना और उनको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, अभी भी टाइम है, 1 मंथ बचा है आपके पास पूरा, तो अगर अभी भी आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो लास्ट में आपका स्कोर बहुत अच्छा हो रहा होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाओगे। तो इसीलिए अगर मार्क्स कम भी आए तो बिल्कुल भी निराश मत होना, अभी आप मॉक टेस्ट पे फोकस करो। अभी भी मैं यही कह रही हूँ कि लास्ट का जो पेपर होगा वही मैटर करेगा, उसमें जितने मार्क्स आएंगे वो मैटर करेंगे, अभी तुम जो भी कर रहे हो तुम उसको बस उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फिर उसमें कितने भी मार्क्स आ रहे हैं वो उसकी चिंता आप अभी मत करो। हाँ, हर एक टेस्ट में बेटर करने की कोशिश करो, पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करो, और अगर कम आ भी रहे हैं तो ये मत सोचो कि मैं मॉक टेस्ट नहीं देती हूँ, नंबर कम आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा बहुत होता है लास्ट के मंथ में, तो बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन फील होता है, ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है, मतलब हम अपने स्टेबल माइंडसेट में नहीं होते। बस 1 ही मंथ बचा है यार, उसके बाद आप सोचो, अगर आप अभी 1 मंथ को अच्छे से यूटिलाइज़ करके पढ़ाई में लगाओगे तो आप अगले मंथ बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे होगे, तो अभी तो आप दिन रात लग जाओ, मतलब कि जैसे कि पंकज सर कहते हैं ना कि अंडरग्राउंड होने का टाइम आ गया है, तो अभी आप लोगों के लिए अंडरग्राउंड होने का टाइम आ गया है इस लास्ट मंथ में, तो अभी बिल्कुल
अपना जी जान लगा दो। एंड आई नो मेहनत का फल मिलता है, मैंने आपसे हमेशा बोलती हूँ कि मेहनत करते रहो, फल की चिंता मत करो, लास्ट में एंडिंग अच्छी ही होती है, अगर आप मेहनत करोगे तो उसका फल ज़रूर मिलता है। सो बस इस बात पे बिलीव रखो और लगे रहो। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी बोल सकते हो मुझसे, कुछ भी। मैं बहुत पहले से बोलते हुए आ रही हूँ कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जिसमें मैं आपको पक्का सुनूंगी। चाहे अगर मैं सॉल्यूशन दे सकूंगी तो सॉल्यूशन दूंगी उसका, और मेरे को अगर पता होगा कि वो कैसे सही हो सकता है मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूंगी अपने एक्सपीरियंस से। और अगर कुछ ऐसा हो जो आप सिर्फ किसी को बताना चाहते हो और आपको कोई सुनने के लिए नहीं है, तो आप वो सब भी कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो बिना खिंचखिचाए, बिना किसी सेकंड थॉट के। मैं पक्का सुनूंगी क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन पढ़ती ही हूँ आप लोगों का, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई देने का ट्राई करती हूँ। इन शॉर्ट आप मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।